हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आज आपका मेरी नई वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बगल में बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं आज बताती हूँ कि आज हम आपके साथ कौन सी वीडियो शेयर करने वाले हैं। मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ फेस्टिवल वेडिंग मस्ट हैव, जिसने कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल सॉर्ट कर दे और जो कि आपकी लाइफ भी जरूर सॉर्ट कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस्टिव सीजन नाउ और हम गर्ल्स मेकअप ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, और हर गर्ल चाहती है कि उसके पास अफोर्डेबल और मल्टी टास्किंग पैलेट जरूर हो। मैं आज आपके साथ तीन ऐसी पैलेट शेयर करने वाली हूँ जिसे आप एज अ फेस पैलेट और एज अ आई शेडो पैलेट भी उनको यूज कर सकती हो। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर की आई शेडो पैलेट, जिसमें कि आपको ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, ब्रशर तीनों मिल जाते हैं। इसे आप एज अ फेस पैलेट और एज अ आई शेडो पैलेट भी यूज करते हैं। ब्राउन और पिंक कलर को आप क्रीज में लगा के फिर हाइलाइटर लगा सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को अपने आईज पे लगा सकते हैं, या फिर आप सिंगल एक शेड आई शेडो पे लगा सकते हैं अपने आईलिड्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अराउंड आपको 799 की मिल जाएगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट आपको हर जगह पैलेट मिल जाएगी, या फिर आप इनके ओरिजिनल इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हो। सेकेंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी पैलेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई शेडो और फेस पैलेट। आप इसे एज आई शेडो और एज अ फेस पैलेट दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बेक हाईलाइटर, ब्रशर्स और बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इन्हें एज आई शेडो और एज अ ब्लश, एज अ हाईलाइटर तीनों ही चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक मल्टीटास्किंग पैलेट है और एक हर लड़की चाहती है कि उसके पास एक अफोर्डेबल में मस्त मल्टी टास्किंग पैलेट हो। जैसे कि मैं एज अ बिगनर, मैंने आपको ये दो चीज़ दिखाई जिसमें आपको ब्लशर और ब्रॉन्जर और हाईलाइटर मिलेगा। इवन स्विस ब्यूटी में आपको ब्रॉन्जर नहीं मिलता। आपने बहुत बारी आई शेडो पैलेट्स मेरी मेकअप वीडियोस में देखी होगी, ये बहुत अच्छे आई शेडो पैलेट्स। उसमें आपको ब्रॉन्जर, ब्लशर, हाइलाइटर भी मिल जाएगा, और उसमें आई शेडोज के कलर भी बहुत अच्छे हैं। इवन तो ये पिगमेंटेड भी बहुत ज़्यादा, और ये मेरी फेवरेट आई शेडो पैलेट है। मैं आपको हर बार रेकमेंड करती हूँ कि आप ही आई शेडो पैलेट ले ही लो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप हिलारी रोडा के आई शेडो पैलेट्स भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट। आप ऐसे इयरिंग, स्टेटमेंट इयरिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके प्लेन आउटफिट पे, या फिर आपको नेक में कुछ नहीं पहनना, आपको सिर्फ इयरिंग्स कान में कुछ पहनने के चाहिए, तो आप ऐसे इयरिंग्स से जरूर ले सकते हैं। इवन अगर आपको इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप फिर ऐसे नेकलेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, नेकलेस होते हैं, जो कि अपने प्लेन आउटफिट पे बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। इवन तो मैं आपको लगा के देती हूँ ऐसे, यहाँ पे खैर मेरे नेक पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रखा है तो इसलिए आपको भी ये समझ नहीं आ रहा होगा, वरना आप इसे प्लेन आउटफिट पे बहुत अच्छे से पहनते हैं। इसके साथ हमें कुछ ऐसे इयरिंग्स के सेट भी मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे पूरे लुक को बहुत अच्छे से कर देते हैं। ज्वेलरीज में ऐसे चोकर सेट्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपको मांग टिका और इयरिंग मिल जाएगा। ये मैंने मीशो से मंगवाया, इसकी क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, और एज यू कैन सी कि मतलब मेरे नेक पे आ जाने के बाद ही कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने इयरिंग्स हैवी पहन रखे हैं, हैवी तो नहीं, मैंने इयरिंग्स पहन रखे हैं इस वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट इसके साथ आपको मांग टीका भी मिल जाता है, इयरिंग्स भी मिल जाते हैं, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये मांग टीका आपको मिल रहा है। इस पूरे सेट की एक बात बहुत अच्छी है कि आप इन तीनों चीज़ को अलग अलग भी पहन सकते हो, अगर आप एक साथ ही पहने वो सब भी अच्छा लगेगा, या फिर आप कोई भी दो पहन सकते हैं। मतलब ये जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी, मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि इतनी ज़्यादा अच्छी, बढ़िया, मतलब पैसा वसूल चीज़ है ये। मैं अब आपके साथ इसकी इयरिंग शेयर करना चाहूँगी। इसकी इयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा स्टडी, और ये भी एज अ स्टेटमेंट इयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे वर्क करेंगे। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब मुझे इसका कोई भी स्टोन अभी तक निकलता हुआ बिल्कुल नहीं दिखा। मैंने 2 से 3 बार इसको पहन लिया। हम लोगों ने फेस के मेकअप की बात कर ली, अपनी ज्वेलरीज की बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं सबसे एंड और सबसे मुश्किल काम पे। एंड तो नहीं पर हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल मैंने इसलिए कहा क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं हमारे बाल के बारे में। समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हीट लगानी है नहीं लगानी है, कौन सा हेयर स्टाइल करना है कौन सा हेयर स्टाइल नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना मतलब अच्छे से आपको शैम्पू करना है, कंडीशनर लगाना है, या फिर आप 1 से 2 रात पहले अपना हेयर मास्क लगा सकते हैं। और उसके बाद जो आप उस दिन आपको करना है, आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से सीरम लगा के अपने बाल को प्रिपेयर करना है। बेशक आप हीट यूज़ करो या ना करो, मैं आज आपके साथ 2 सीरम्स शेयर करने वाली हूँ, एक लिवॉन और एक स्ट्रीट। ये दोनों ही बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे सीरम है, मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ, मेरे तो दोनों फेवरेट हैं, और ये दोनों बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपके लोकल स्टोर्स पे मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर इन चेकआउट कीजिएगा। ये है स्ट्रीट का सीरम, ये आपके बालों को इतने अच्छे से स्मूथ कर देगा, इतने अच्छे से स्मूथ कर देगा कि बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आप कोई भी अप्लायंसेज अपने बालों पे लगाते हो तो वो इतने अच्छे से वर्क करेगा, या फिर आप बाद में अपने जो भी अपने बालों को हीट करा है, कर्ल करा है, उसके बाद भी आप इसे लगा सकते हो, वो बहुत अच्छे से स्टे करेगा। और ये है लिवॉन, ये तो इसकी तो जितनी तारीफ कम की जाए उतने ही कम है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। ये इसके बारे में बोलते हुए मेरी टांग भी ट्विस्ट।
आप हेयर स्टाइल के लिए आप ऐसा कॉम्ब यूज़ कर सकते हो जो कि पॉइंटेड हो, जिससे कि आप जो भी पार्टीशन करें, साइड पार्टिंग, सेंटर पार्टिंग, या फिर आप जो भी करें, ये आपके हेयर स्टाइलिंग को बहुत ज़्यादा इजी बना दे। हेयर स्टाइल बनाओ, सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ें हैं आपकी बॉब पिन और आपकी जूड़ा पिन। आप जूड़ा बनाओ या फिर हेयर स्टाइल बनाओ, आप कुछ भी आप हल्का सा अपने बारे में चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए, हम प्लेन तो नहीं रखेंगे, तो आप बॉब पिन और जूड़ा पिन अपने पास ज़रूर रखें, ज़रूर ज़रूर, ये सच में ही मस्ट हैव्स हैं। और स्पेशली सेफ्टी पिन्स, ये तीनों तो आप जो भी अपना पाउच या फिर जो भी अपना बैग लेके जाओगे उसमें आपके पास जरूर होनी चाहिए, सेफ्टी पिन, बॉब पिन, जूड़ा पिन। आप ऐसे में अपनी सेफ्टी पिन रख सकते हैं जिससे कि आपको या फिर किसी और को भी ज़रूरत हो। यहाँ पे तो मैंने छोटे साइज़ के रखे, आप चाहे तो 2 से 3 साइज़ रख सकते हैं, एक छोटी और एक बड़ी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और बाकी सबके लिए। आप हेयर स्टाइल में यू आर अ जूड़ा पर्सन, तो आपके पास एक बहुत अच्छा डोनट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डोनट है। और इवन ये स्मॉल साइज़ में, अगर आपको बड़े जूड़े पसंद है तो आप बड़ा साइज़ का डोनट ले सकते हो, मीडियम पसंद है मीडियम, और ये छोटा है, जिससे आपका जूड़ा बहुत 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 अच्छे से बनेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने जूड़ा तो बनाने, अब आप चाहते हो कि उस जूड़े को अच्छे से डेकोरेट करें, तो आप उस जूड़े को डेकोरेट करने के लिए आप कुछ ऐसा गजरा, ये फेक गजरा तो नहीं है, ये ऐसे इलास्टिक से, मैं यहाँ पे आपको हल्के से रोज़ और ये आपके गजरा टाइप दिख जाएगा, तो ये आपके डोनट पे आप उसे ऐसे इलास्टिक करके लगा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा। आपका जूड़ा बहुत ज़्यादा कंप्लीट लगेगा, हैवी भी लगेगा, इवन आपको पार्लर्स में जाके ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, आपका घर में अच्छे से हो जाएगा। वो डोनट आपको अराउंड 100 to 150 मिल जाएगा, और सेम आपको ये जो आपकी एक्सेसरी मैंने दिखाई ये भी आपको 100 to 150 में आराम से मिल जाएगा। ऐसे हेयर पिंस भी यूज़ कर सकते हो, आपने जूड़ा बनाया आप जूड़े में लगा सकते हो या साइड में लगा सकते हो, या फिर अगर आपने कर्ल्स करे अपने बालों में तो आप कर्ल्स के बाद अपने पफ बना के भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत एलिगेंट और एफर्टलेस लुक लेगा। इसमें साथ अगर आप कोई ये सब नहीं पसंद तो या फिर आप बॉब पिंस भी लगा सकते हो जिसमें स्टोन्स होते हैं, या फिर आप ऐसी रबर बैंड्स ले सकते हैं जिसमें स्टोन या फिर जिसमें कुछ अच्छा हो रहा हो, जिससे कि आपका वेडिंग सीजन, आपका फेस्टिव सीजन इजीली निकल जाए। जूड़े को डेकोरेट करने के लिए या फिर अपने बालों में जो भी बनाया आप उसको डेकोरेट करने के लिए ऐसी मार्केट्स में पिन मिलती है बॉक्स के अंदर, ये पिंस भी आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी पिंस है और इवन ये आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। और इसके साथ पीछे जूड़ा पिन है, मतलब यू पिन, आप इसे इजीली अपने बालों में ऐसे स्टिक करके देख रहे हो आप कितना अच्छा लुक आ रहा है, तो आप भी इजीली कर सकते हो और इस फेस्टिव सीजन में आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाओगे अपने हेयर्स को। फेस्टिव सीजन में और स्पेशली वेडिंग सीजन में आपके पास स्टेटमेंट्स रिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेटमेंट्स रिंग, या फिर आपने नेल आर्ट कराते हो तो फिर आपको रिंग्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप स्टेटमेंट बैंगल्स पहन सकते हो जो कि आपके लुक्स पे 4 चांद लगा देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा मस्त और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाते हैं। सो आप इस वेडिंग सीजन आप ज़रूर एक अच्छे से स्टेटमेंट रिंग्स में इन्वेस्ट करने के लिए, मेकअप क्लीन करने के लिए हमारे पास अच्छे क्लिंजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे मेरे पास हिमालय का क्लिंजर है और यहाँ मेरे पास आयुष का क्लिंजर है, यह अफोर्डेबल आपको 60-70 रुपीज़ में मिल जाएगा और ये आपको 90 to 100 की रेंज में मिल जाएगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे अफोर्डेबल क्लिंजर है, आप इवन इसे मेकअप से पहले और मेकअप के बाद दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे ज़्यादा क्लिंजर है, बहुत 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 ज़्यादा। तो आपको ज़रूर ये क्लिंजर तो ज़रूर चेकअप करना है, और आपके पास जो भी आपका मेकअप स्टोरेज है उसमें आपके पास एक अच्छा क्लिंजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वेडिंग सीजन और हर वेडिंग सीजन या और यार हर फेस्टिव सीजन में हमारे पास अच्छे फुटवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हमारे सारे लुक्स पे चल जाए। मैं आपको 2 रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, या तो आप एक फ्लैट्स में इन्वेस्ट करो और एक हील्स में। अगर आप हील्स पर्सन नहीं हो तो अभी आप जुत्तीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर थोड़े से आप स्टेलेटोज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपके पास 2 ऐसे फुटवेयर होना चाहिए जो कि एक फ्लैट और जो हल्के से जिसपे हील्स हो, जिससे कि आपके पास अगर कोई अलग ड्रेस है या फिर आपका कोई अलग आउटफिट है वो दोनों के साथ इजीली चले जाए। और कलर्स ऑप्शन में आप ब्लैक और बेज या फिर न्यूट कलर ट्राई कर सकते हो, जो कि आपके हर आउटफिट के साथ चले जाएंगे। मेकअप में CTM करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको डेली 2 टाइम CTM करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मॉर्निंग में और नाइट में। स्पेशली टोनर तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि हमारा pH बैलेंस मेंटेन रहता है, हमारे ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं, हमारे जो भी हमारी स्किन में इरिटेशन होते हैं वो हमें बहुत जल्दी से हमें क्लियर कर देता है, और बहुत हमारी स्किन को बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा फील होता है। क्या आपको एक ट्रिक पता है कि हम टोनर को ऐसा मेकअप सेटिंग्स में भी यूज़ सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही करा, इवन मैं भी यूज़ करती थी और करती हूँ अभी भी। मेरे पास अफोर्डेबल में इनसाइड का मेकअप फिक्सर है और स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक अच्छा टोनर यूज़ कीजिए एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे भी और एज अ टोनर भी, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन दिखाना चाहूँगी जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट, ये अर्बन बोटैनिक्स का रोज वाटर, ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, और ये कुकुम्बर ग्लो टोनर।
तीनों ही बहुत 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 अच्छे टोन आ रहे हैं, और स्पेशली ये वाला तो मैंने बहुत बार मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करा है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें रोज़ है जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील देते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो या फिर आप डाबर की जो रोज़ वाटर आता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और उसे आप एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस सीज़न में बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। ये ऐसा टाइम चल रहा है कि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना हेल्दी रहेंगे, उतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हेल्दी रहना है, स्माइल करते रहना है, हमेशा खुश रहना है, जो कि आपके लिए आपका वेडिंग सीजन हो, फेस्टिव सीजन हो आपका, या फिर कोई भी आपका डाउन, आप कभी भी डाउन चल रहे हो, आपका मूड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें आपको बहुत अच्छे से कर देगा। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर देना, बिकॉज़ आई एम सुपर डुपर एक्टिव देयर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।